नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 हज़ार के जो है फिजिक्स पेपर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर जो है हम आज हम यहाँ पर भी क्वेश्चन साल करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिव थ्योरी और मॉडर्न ऑप्टिक्स के यहाँ पर जो है भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसी को हम यहाँ पर सॉल करेंगे और साथ ही साथ हम बता दें कि हमारे चैनल पर आपको बी ए बी एस सी एम ए एम एस सी और बी एड आज सभी का पेपर आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए वीडियो को यहाँ से हम शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है डेढ़ घंटे का अर्थात डेढ़ घंटे का टाइम दिया गया और मैगजिमम मार्ग जो है वह पचहत्तर है और यहाँ पर पचहत्तर क्वेश्चन भी दिए गए हैं चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर इसका आंसर भी यहाँ पर सोल्यूशन भी देंगे चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इलेक्ट पहला इंटरफ्रेंस कैन बी सीन बाई यूजिंग टू इंडिपेंडेंट अर्थात पहला दिए गए सोडियम लैंप दूसरा दिए गए है यहाँ पर एप्लूशन uh, ट्यूब्स तीसरा है लेजर चौथा दिया गया है मरकरी वेपर लैम्प यहाँ पर जो है कि इंटरफ्रेंस कैन बी यूजिंग टू इंडिपेंडेंट व्यक्तिकरण को देखा जा सकता है ये तो इसमें किस प्रकार सोडियम लैम्प यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर सोडियम लैंप होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द कोहरेंस लेंथ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द कोहरेंस लेंथ ऑफ द लेजर बीम विच बैंड विच जिसका डेल बिच टू जो है यहाँ पर तीन हज़ार हटस दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पर सीच कड तीन गुड़े दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड दे गया है चलिए यहाँ पर हम इसका निकालना है कोहरेन्स लेंथ कोहरे लेंस का फार्मूला होता है यहाँ पर कोरलेंस का फार्मूला होता है यल इक्वल टू हो जाता है टाओ सी होता है और यहाँ पर जहाँ टाउ इक्वल टू क्या नहीं टाउ इक्वल टू होता है वन अपान डेल भी यहाँ पर यह फार्मूला लगाएंगे जहाँ डेल भी बराबर तीन हज़ार मेगा हटस दिया गया है यहाँ लगाएंगे तो फार्मूलों को साल करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा चलिए क्वेश्चन नंबर अब थ्री पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है नंबर ऑफ रूलिंग रिक्वायर्ड ऑन ग्रेटिंग जस्ट रिजाल पे यहाँ पर चार हज़ार एगेस्टॉन एंड चार हजार एक एगेस्टॉन स्पेक्ट्रम लाइन इन फर्स्ट आर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इस इसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पर निकालना है तो यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा लेमडा अपन डी लेमडा इसको टू एन एंड कैपिटल एन यही फार्मूला लगाएंगे और इसे हम साल करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए हमें यह प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा यहाँ से इसका जो है ऑप्शन ए सही है चलिए यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि वी इज़ विच इज़ नॉट मैक्सुअल इक्वेशन इसमें से मैक् मैक्सुअल इक्वेशन नहीं है पहला दिया गया है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो दूसरा दिया गया है डेल डॉट डी और वेक्टर में दिया गया इसवल टू पी डेल क्रॉस ई माइन इसवल टू माइनस डेल वी बाई डेल्टी और डेल डॉट ई इसवल टू माइनस डेल वी बाई डेल्टी दिया गया है इसमें से हमें चौथे चौथा चो विच इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन इसमें से कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है यहाँ पर हम देखेंगे चौथा ऑप्शन जो है यहाँ मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है चौथा जो है यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है इसका चौथा ऑप्शन सही होगा चलिए यहाँ पर हम पाँचवा ऑप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है कि डेल क्रॉस ई e. इज इक्वल टू माइनस डेलबी बाई डेल्टी दिया गया है इज रिप्रेजेंट करता है या एमपियर ला को रिप्रेजेंट करता है कि ला को या फ्लेमिंग ला को या फैराडे ला को तो यहाँ से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि या फैराडे ला को यहां से फैराडे ला को या रिप्रेजेंट करता है फैराडे ला को भी डिफरेंशियल फार्म में रिप्रेजेंट करता है ये क्वेश्चन डिवर्जेंस ऑफ इजक्ल टू माइनस डेलबी बाई डेल्टी चलिए पाँचवा आपसे पाँचवें का डी सही है चलिए अब यहाँ पर हम छाठवा लगाते हैं छाठवा दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पर छाठवाँ क्वेश्चन है यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन आप स्पेस गिवेन बाई जहाँ पर फाइव बाई प्लस फोर जे प्लस थ्री के कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए हंड्रेड यूनिट दिया गया है लाइंग इन एक्स वाई प्लेन अर्थात एक्स वाई प्लेन में दिया गया है तो यहाँ पर इसका हम फार्मूला लगाएंगे इसका फार्मूला होता है एक साइज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन डी डी एस होता है और हमें इसे और यहाँ पर साल करेंगे तो फार्मूला हमें ई नाट ई नाट ई डी एस हो जाएगा और इसी फार्मूले से हम लगाएंगे और इसे साल करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा सिक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिक्स का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा चलिए यहाँ पर अब हम सातवा क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन गुलाम ऑफ चार्ज यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सिक्स पॉइंट टू फोर घुढ़े दस की घात अठारह दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिक्स पॉइंट टू फोर घुढ़े दस की घात सत्रह तीसरा दिया गया है वन पॉइंट सिक्स घुड़े दस की घात माइनस उन्नीस और चौथा दिया गया है टेन यहाँ पर हम तो हम सभी जानते हैं जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वन कूलाम ऑफ चार्ज हो तो उसका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव गुड़े दस की घात अठारह है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है इसका हो का ऑप्शन नंबर ए सही है चलिए यहाँ पर अब हम आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज करता है ऑप्शन नंबर ए आर स्क्वायर अब बी दिया गया है आर सी दिया गया है आर यूनिवर्स डी दिए गए आर यूनिवर्स स्क्वायर यहाँ पर इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है वह होता है क्या वन अपान आर स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर हम ना क्वेश्चन पढ़ते हैं नौवा क्वेश्चन दिया गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड साइड आन ए चार्जड हालो स्पेयर तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इज ज़ीरो बी इज कांस्टेंट सी दिए गए हैं इंक्रीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डी दिया गया है डिक्रीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस सेंटर। तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा चलिए यहाँ पर हम दसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं दसवां क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेड प्लेन सीट दिया गया है एट डिस्टेंस आर हो देन तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ईजल टू लेमडा पान टू पाई एफ सेलन आर होगा या दूसरा दिया गया ई इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा पान टू एफ सेलन आठ ई इक्वल टू सिगमा पान एफ सेलन डी दिया गया है नन ऑफ ए तो इसमें से जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा चलिए यहाँ पर हम ग्रह क्वेश्चन पढ़ते हैं ग्रह क्वेश्चन दिए गए हैं डिस्प्रेंशियल फार्म ऑफ गास्ला डिफ्रेंशियल फार्म ऑफ गास्ला क्या होगा यहाँ पर चलें पहला ऑप्शन दिए गए डेल डॉट ईजक्ल टू पी अपॉन एफ सालन नाट डेल क्रॉस ईज जीरो डेल डॉट ई ईज से नाट अपॉन पी डेल डॉट ईजक्ल टू जीरो तो यहाँ से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा घास प्रमे का अवकलन रूप यहाँ पर देखिए साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप हिंदी से ही पढ़ के अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम ग्यारह हो गया चलिए यहाँ पर देखते हैं बारहवा क्वेश्चन दिया गया है बारहवा क्वेश्चन है यहाँ पर द तो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर ई डी पी इस क्या होगा यहाँ पर थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर दिए गए इसके बीच रिलेशन निकालना है यहाँ पर पहला दिया गया है वेक्टर डी इज टू वेक्टर पी प्लस ई दूसरा दिया गया है वेक्टर डी इक्वल टू पी या पी और तीसरा दिया गया है वेक्टर डी इक्वल टू एफ सला ई प्लस पी और चौथा दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एचकोल टू एफ ई प्लस पी दिया गया है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्या इसका ऑप्शन बढ़ावे का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी अर्थात इसका जो है ए डी इक्वल टू हो जाता है नाट ई प्लस पी अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी सही होगा चलिए यहाँ पर अब तेरहवां क्वेश्चन पढ़ते हैं तेरहवाँ क्वेश्चन दिया गया है द इलेक्ट्रिकल सस्पेंसिबिलिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पर थर्टी फाइव पॉइंट फोर गुड़े दस की घात माइनस ट्वेल्व दिया गया है कुलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर व्हाट इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इसका डायइलैक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है यहाँ पर तो यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट इसका एपसाइ यहाँ पर हो जाएगा डायइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट निकालेंगे तो इसका फार्मूला यहाँ पर एप्साइलन अप अपान एफसाइलन अप नाट होता है यही फार्मूला लगाएंगे और इसे हम साल करेंगे तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चलिए यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम चार्ज ई दिया गया इसलिए रेस्ट इज अन एक्सलेटेड इन ए वैक्यूम थ्रो आ पोटेंशियल डिफरेंस वी बोर्ड दिए गए इट्स फाइनल स्पीड क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा चलिए यहाँ पर अब आगे देखिए पंद्रहवाँ क्वेश्चन पंद्रहवा क्वेश्चन दिया गया है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस चार्ज यहाँ पर जो है चार्ज प्रोड्यूस करता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन ली इलेक्ट्रिक फील्ड बन ली बात मैगनेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तीसरा दिए गए नॉन नन ऑफ नानबीज ना अर्थात इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा केवल चुमकी क्षेत्र या मूवी चार्ज प्रोड्यूस या गतिमान आवेश बंद करता है केवल चुमकी क्षेत्र को यहाँ पर यहाँ पर जो है यहाँ पर नान आवेश आवे यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर पंद्रहवाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं पंद्रहवा क्वेश्चन दिया गया ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एलॉन्ग ए द एक्सिस करेंट कैरिंग सोले नाइट द चार्जेज पार्टिकल विल बी डार डार दिए गए बी यहाँ पर विल बी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दिए गए बी एक्सलेटेड सी दिए बी दिए गए हैं यहाँ पर बी रिटार्डेड सी दिए गए हैं कंटिन्यूटी टू मूव विथ कॉन्स्टेंट बिलासटी डी दिए गए गेट डिप डिपलेक्टेड साइड वेज तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर अब सत्रहवा क्वेश्चन पढ़ते हैं सत्रहवा क्वेश्चन दिया गया है द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवाटला द वेक्टर फार्म ऑफ बायो बायोसिवटला वैक्टरम फार्म में बायो बायोसिवटला क्या होगा यहाँ पर तो कर बायोसिवटला करिंग कैरिंग एलिमेंट पर वो भी करंट कैरिंग एलिमेंट पर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए दिया गया है डेक्टर डी बी इच्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर यहाँ पर बी दिए गए हैं डी बी म्यू नॉट अपान फोर आई डी एल ग्रू आई डी एल क्रास आर अपान आर स्क्वायर और डी बी डी बी सी ऑप्शन सी दिए गए हैं डी बी एचल टू म्यू नाट अपान फोर पाई आई डी एल डी एल वैक्टर क्रास आर आर अपान आर क्यूब और चौथा ऑप्शन डी बी म्यू नॉट अपान आई डी एल क्रास आर अपान आर स्क्वायर दिया गया है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा चलिए यहाँ पर हम अठारहवा क्वेश्चन पढ़ते हैं टू करंट कैरिंग वायर्स टू करंट कैरिंग वायर्स आर ए पैरेलल टू ईच अदर करंट आई वन फ्लोइंग टी ंग इन देम रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन दे विल बी एक्सपीरियंस क्या होगा नो म्यूचुअल फोर्स अट्रैक्शन या रिपेल्सन या नॉन ऑफ दीज यहाँ से इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर यहाँ पर इसका बी सही होगा चलिए यहाँ पर उन्नीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्नीसवा क्वेश्चन दिया गया है इन गिलबर्ट मॉडल आप मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है गिलबर्ट मॉडल से आपको निकालना है ध्यान रखना गिलबर्ट मॉडल दिया गया है तो गिलबर्ट मॉडल के अनुसार आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा पहला ऑप्शन वेक्टर एम स्कोल टू तो क्यू एम डी दिए गए हैं दूसरा दिए गए यम इक्वल टू टू क्यू एम डी दिया गया है तीसरा दिया गया है एम इक्वल टू डी और डी अपान क्यू एम और चौथा दिया गया है एम इक्वल टू डी अपन टू क्यू एम तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गिलबल्ड मॉडल के अनुसार मैग्नेटिक डायपोल मूमेंट जो होगा हो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा चलिए यहाँ पर बीस चलिए यहाँ पर हम बीसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं बीसवा क्वेश्चन दिया गया है द मैग्नेटिक मैग्नेटिकबिलिटी ऑफ मैगनेटिकस्टेंस तो क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है पहला दिया गया है पॉजिटिव दूसरा दिया गया है निगेटिव तीसरा दिया गया है जीरो और चौथा दिए गए नन ऑफ डीज तो इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही होगा ऑप्शन नंबर बी निगेटिव होगा यहाँ पर निगेटिव चलिए यहाँ पर हमें कई सौ क्वेश्चन पढ़ते हैं कई सौ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर टेंट ऑफ द यहाँ पर टेन एम पी एज फ्लोइंगल ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल मूवमेंट ऑफ बीस सेंटीमीटर इन ऑफ पोजिशन पर आपको यहाँ पर निकालना है यहाँ पर यह आपको इसमें से कैलकुलेशन करना है इसका ऑप्शन आप आपको यहाँ पर निकालना है चलिए यहाँ पर इसको डी इसको अल्लाह इसको लास्ट में हम बताएंगे यहाँ पर हम 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ विच वन ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू इसमें से कौन सा रिलेशन जो है यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है वेक्टर बी एच को टू एच एम दिया गया है और दूसरा दिया वेक्टर बी एचको टू म्यू नाट एच प्लस एम दिए गए हैं और तीसरा दिए गए बी एच को टू म्यू नाट एम प्लस एच और डी दिए गए हैं नानाव एब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है यहाँ पर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वेक्टर बी इच्वल टू म्यूनाट ब्रेकट में एच प्लस यम इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा चलिए यहाँ पर हम तेईसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं तेईसवा क्वेश्चन दिया गया है द यूनिट ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम चौबीसवा क्वेश्चन देखते हैं द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड वालली वेन पहला ऑप्शन दिया गया।, no गया है देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक प्लस बी दूसरा ऑप्शन दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज लो तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंडक्शन ऑफ कॉइल इज लार्ज और चौथा दिया गया मैग्नेटिक प्लस लिंक्स विद क्लोज सर्किट चेंजेस तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा चलिए यहाँ पर हम पच्चीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं पच्चीसवा क्वेश्चन दिया गया एम्पियर करंट दिया गया इफ़ द रेडियस ऑफ लूप इज टेन सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स इकोवेल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ से जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर थ्री पॉइंट वन फोर यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर अर्थात इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो जाएगा इसका चलिए यहाँ पर हम छब्बीसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं छब्बीसवा क्वेश्चन दिया गया है द मैग्नेटिक प्लस लिंक्स विथ क्वाइल इज क्या होगा फाइव इक्वल टू टू टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सेवन मिली वेबर दिया गया है द इलेक्ट्रो फोर्स द इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन ए क्वाइल ए टीवल टू टू सेकेंड दिया गया है तो दिन तब इसका हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि टेन बोर्ड दिया गया है दूसरा माइनस थ्री बोर्ड तीसरा माने, टेन माइनस मी यहाँ पर मिली बोर्ड और चौथा दिया गया है माइनस थ्री मिली बोर्ड दिया गया है तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा यहाँ पर माइनस में होगा चलिए यहाँ पर हम सत्ताईसवां क्वेश्चन निकालते हैं सत्ताईसवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ टर्स एंड लेंथ बाथ आर डबल्ट हो जाए तो इट सेल्फ इंडक्टेंस विल भी क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस भी यहाँ पर डबल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए सही होगा चलिए पच्चीसवा क्वेश्चन देखते हैं पच्चीसवा क्वेश्चन दिया गया है पर न्यूमेरिकल है इन इन्हें ट्रांसफार्मर द करेंट इन प्राइमरी कोयल रिड्यूस टू जीरो फ्राम जीरो पॉइंट फाइव एम पीयर एक मिली सेकेंड देन दिलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर यहाँ पर पाँच सौ बोट दिए गए हैं इन इंडिविज सेकेंडरी कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस आप क्या होगा यहाँ पर इसका अगर पहला दिया गया है वन पॉइंट टू हिन्नी दूसरा जीरो पॉइंट नाइन हिंदी तीसरा दिया गया है वन पॉइंट वन हिंदी और चौथा दिया गया है वन हेनरी दिया गया है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी चलिए यहाँ पर हम उनतीसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं उनतीसवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर उनतीसवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि द रिलेशन फॉर बाइलेस्टिक गलनोमीटर बिटवीन चार्ज सेंसिटिविटी यस क्यू एंड करंट सेंसिटिविटी यस आई तो इसमें अंतर है यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा उनतीस का यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर यस क्यू इज टू टू पाए पॉन्टी गुड़े यस आई इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा चलिए यहाँ पर हम तीसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब इन वैक्यूम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब इन वैक्यूम में क्या होगा इसका तो इसका यहाँ पर दिया गया है पहला रूट म्यू नाट अपान एफ दूसरा दिया गया है रूट म्यू नाट एफ तीसरा दिया गया है वन अपान म्यू रूट म्यू नाट एफ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एफ सालन नाट रूट नाट अपान म्यू नाट तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर तीस का ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर इसका यहाँ पर तीस का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वन पान रूट म्यून एफ चलिए यहां पर हम इकतीसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं इकतीसवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द करेंट सेंसिटिविटी आप बाईलास्टिक गैलनोमीटर टू पॉइंट थ्री घुड़े दस की घात माइनस यहाँ पर सिक्स दिए गए हैं टू पॉइंट थ्री घुड़े दस की घात माइनस सिक्स एम्पियर प्रति मिलीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड दिया गया है सिक्स पॉइंट टू सेकेंड दिए गए हैं फाइन से इट यहाँ पर आपको चार्ज सेंसिटिविटी निकालना है यहाँ पर चार्ज सेंसिटिविटी निकालना है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा फाइंड इट्स चार्ज सेंसिटिविटी यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर टू पॉइंट थ्री गुड़े दस की घात माइनस सिक्स दिया गया है कूलॉम प्रति मिलीमीटर दिया गया है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है यहाँ पर फोर्टीन पॉइंट से ट्वेंटी सिक्स गुड़े दस की घात माइनस सिक्स प्रति मिलीमीटर और सी दिया गया टू पॉइंट थ्री थ्री गुड़े दस की घात माइनस सिक्स प्रति सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पर फोर्टीन पॉइंट टू सिक्स गुड़े दस की घात माइनस सिक्स गुलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा ऑप्शन चलिए यहाँ पर हम बत्तीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं बत्तीसवा क्वेश्चन दिए गए इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव न्यूटन प्रति गुलाम द एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है तो यहाँ पर वो अंत में बता देंगे यह क्वेश्चन चलिए यहाँ पर हम तैंतीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं तैंतीसवां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ, आर क्या होगा पहला ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड या पार्सली लॉन्गिट्यूड ट्रांसली ट्रांसफर्स नॉन ऑफ ए इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा ए सही होगा ट्रांसवर्स होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर ट्रांसवर्स सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा चौदह यहाँ पर चौतीसवा क्वेश्चन दिया गया यूनिट ऑफ पॉइथिंग वेक्टर पॉइथिंग वेक्टर का आपको यहाँ पर यूनिट निकालना है पॉइथिंग वेक्टर का आपको यहाँ पर यूनिट निकालना है पहला दिया गया न्यूटन दूसरा वाट तीसरा वाट प्रति मीटर और चौथा दिया गया है यहाँ पर वाट प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है यूनिट ऑफ पॉइथिंग वेक्टर का चलिए यहाँ पर हम पैंतीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं पैंतीसवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इन्हें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव द ऑक्सीटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नेटिक फील्ड बी आर रिलेटेड इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा इसके बारे में आप बताना है पहला ई इक्वल टू बूसरा ईक्ल टू सी बी और तीसरा इक्वल टू क्या तीसरा दिया गया, गया बी इक्वल टू सी और चौथा दिया गया है डी इक्वल टू सी अपन ई यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू सी बी चलिए छत्तीसवाँ पढ़ते हैं यहाँ पर छत्तीसवाँ दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आप इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स इज गिवन बाय क्या होगा ई e होगा बी होगा या ई क्रॉस बी नॉन ऑफ तीज तो यहाँ पर छत्तीस है छत्तीस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर छत्तीस का ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही होगा ई e क्रॉस बी चलिए यहाँ पर हम सैंतीस वो क्वेश्चन यहाँ पर यह तो बहुत ही सरल है स्नेल्ला इस इसमें से कौन है तो यहाँ पर से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सैंतीस का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा साइन आई अपन आर इज्क्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन एफ सैलेंट टू अपान एफ सैलेंट वन अर्थात इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन साइन आई पान आर इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन एफ टू अपान एफ सैलन चलिए यहाँ पर अड़तीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीच आप द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव डज नॉट चेंज होता है वेन जब वूकोस वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका क्या चेंज नहीं होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डज़ नॉट चेंज तो यहाँ पर देखें तो इसका जो है यहाँ पर पहला दिया गया वेबलेंथ है अर्थात तरंगद दूसरा बिलास्टी तीसरा फ्रीक्वेंसी और चौथा जो है यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है इसमें से क्या चेंज नहीं होता है यहाँ पर हमें बताना है तो यहाँ पर जो है इसका फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती इसकी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर बदलाव नहीं होता है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा चलिए यहाँ पर उनतीसवां क्वेश्चन उनतालीस उनतालीसवा क्वेश्चन है ब्रिस्टर एंगल यहाँ पर ब्रिस्टर एंगल इस क्या होगा यहाँ पर ब्रिस्टर कोण क्या होगा यहां पर पहला दिए गए टेन यूनिवर्स एन टू अपान एन वन दूसरा दिए गए टेन यूनिवर्स एन वन अपान एन टू तीसरा दिए गए टेन एन टू अपान एन वन चौथा दिए गए टेन एन वन अपान एन टू इसमें से क्या सही होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए सही होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा टेन इनवर्स एन टू अपान एन वन चलिए यहाँ पर हम चालीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं वेन ए प्लेन इलेक्ट्रो मैग्नेटिव वेव इंटर्स करता है फ्राम वन मीडियम टू अनदर तो इट द करेक्टर रिमेंस अनचेंज में से कौन सा क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होता अपरिवर्तित होता है यहाँ पर चेंज ही नहीं होता तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन ऊपर ही लगाया था तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर हमें टू तो फो यहाँ पर टू तो सोर्स ऑफ लाइट टू तो सोर्स ऑफ ऑफ लाइट आर सेड आर सेड कोहर इफ वे भी प्रोड्यूस करता है देन है वे सेम हो जाए तो पहला ऑप्शन वेब लेंथ बी एम्पलीट्यूड सी दिया गया वेब लेंथ एंड एम्पलीट्यूड डी दिया गया है वेब लेंथ एंड कॉन्सटेंट स्पेस डिफरेंस यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा चलिए यहाँ पर पहले सौ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले सौ क्वेश्चन दिए गए यंग डबल स्लिट इंटरफेस एक्सपेरिमेंट द एवरेज इंटेंसिटी यहाँ पर इसकी एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर पहला दिया गया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का प्लस ए टू का स्क्वायर दूसरा दिया गया ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर तीसरा दिया गया है यहाँ पर ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा चलिए यहाँ पर हम तिर सु, तिरसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं द फ्रेजमल बाई प्रिज एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल फिजेज क्या प्राप्त होती है पहला है ब्राइट दूसरा दिया गया है यहाँ पर डार्क तीसरा दिया गया है फर्स्ट डार्क देन ब्राइट तीसरा दिया गया है फर्स्ट ब्राइट देन डार्क देन तब यहाँ पर हम पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ब्राइट यहाँ पर प्राप्त होता है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा चलिए चौलसा क्वेश्चन द न्यूट रिंग एक्सपेरिमेंट ब्राइट एंड डार्क आर फ्रिजेजेंट यूजिंग द सोडियम लाइट इफ़ द इंटरसेट ऑफ द डिप्ड इंटू वाटर तो डिप्ड इंटू वाटर में तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डायमीटर ऑफ रिंग इंक्रीजेड रिंग डायमी कॉन्सेंट और यहाँ पर चौथा दिया गया है रिंग पैंटर डिसपियर तो यहाँ पर जो है डायमीटर ऑफ रिंग जो है डिक्रीजेज होता है ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा यहाँ पर बी चल सी यहाँ पर हम पैंतालीसवा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं द इनिशियल एंड इन फाइनल रीडिंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर दिए गए आर टेन पॉइंट सेवन थ्री फोर सेवन फोर सेवन मिलीमीटर मिली 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 एंड टेन पॉइंट यहाँ पर सेवन सेवन जीरो फाइव फोन मिलीमीटर मिली मिली रिस्पेक्टिवली व्रिंज पासिस फील्ड ऑफ वेबलाइट तो वेब लेंथ ऑफ लाइट इज़ क्या होगा पहला दिए गया है यहाँ पर पाँच हज़ार आठ सौ बीस एंगस्ट्रॉन पाँच हज़ार नौ सौ चालीस एगस्टान पाँच हज़ार आठ सौ चालीस एग्स्ट्रॉन और चौथा दिया गया है पाँच हज़ार नौ सौ बीस एगस्ट्रॉन इसका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर पैंतालीसवा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पाँच हज़ार जो है यहाँ पर नौ सौ बीस एंगस्ट्रॉन इसका आंसर होगा वेवलेंथ इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा पहले छियाल सौ क्वेश्चन पढ़ते हैं टू वेब ऑफ़ इंटेंसिटी रेशियो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव बटास सौ दिए गए इंटरफ्रेंस टू फ्रॉम पेंजिट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी छियालीस का छियालीस का यहाँ पर हो जाएगा आंसर पहला दिया गया है वन एन पाते फोर दूसरा वन एन पाते यहाँ पर नाइन तीसरा दिया गया नाइन एंड पाते वन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर नाइन एंड पाते यहाँ पर वन इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा चलिए सैंतालीस क्वेश्चन पढ़ते हैं द प्रिजनल बाई प्रिज्म आप रिफ्रैक्टिंग एंगल यहाँ पर एक डिग्री इज मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स वन पॉइंट फाइव फाइव इट इज प्लेट तेरह सेंटीमीटर फ्राम सोर्स द देशन बिटवीन कोहरेंट सेहरेंट फार फार्मेड बाई यहाँ पर आपको कोरेंट सोर्स जो है फार्मेट बाय तो यहाँ पर इसका आप निकालना है आंसर तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है हम बता देते हैं उसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर चल जाएगा तो इसका फार्मूला होता है कि टू डी इज इक्वल टू टू एँ पर इंटू म्यू माइनस वन और यहाँ पर एंगल अल्फा होता है इस फार्मूले का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इसका क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर सैंतालीस का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम अड़तालीस बढ़ते हैं अड़तालीस को क्वेश्चन दिया गया है स्पेसिंग बिटवीन टू कंसिक्यूटिक प्रिंजेस वेडज से फिल्म क्या होगा यहाँ पर तो यह पहला दिया गया टू लेमडा पान म्यू ठीटा दूसरा दिया गया है लेमडा ठीटा पान टू म्यू तीसरा दिया गया लेमडा पान टू म्यू ठीटा चौथा दिया गया लेमडा पान म्यू ठीटा तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लेमडा पान टू म्यू ठीटा यहाँ पर चलिए चौतालीसवा क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ फेबरी फेराट इंटरफ्रेंस फेरोमीटर किस पे काम करता है यार प्रिंसिपल तो पहला दिया गया है डुबल बीम इंटरफ्रेंस पहला दिया गया है यहाँ पर डुबल बीम इंटरफ्रेंस दिया गया है तीसरा दिया गया है सिंगल बीम इंटरफ्रेंस तीसरा दिया गया है मल्टीपल बीम इंटरफ्रेंस और चौथा दिया गया आल आफ डिज इसमें से किस पर काम करता है यहाँ पर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उनचास का ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर मल्टीपल बीम ऑफ इंटरफेस पर यह काम करता है पहला दिया पचासवा क्वेश्चन दिएगा पचासवा क्वेश्चन दिएगा ये जोन प्लेट बी हैफ स्लाइस करता है क्या पहला कन्वेक्स लेंस दूसरा कन्केब लेंस तीसरा दिया कनकेव मिरर और चौथा दिया गया है कन्वेक्स मिरर तो यहाँ पर पचास का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कन्वेक्स लेंस पर बीहेब स्लाइ करता है तो यहाँ पर इसका पचास का ए सही हो जाएगा एक तो यहाँ पर एक क्या बनता है अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ हाल पीरियड जोन क्या होगा यहाँ पर पहला दिया गया है पाई बी अपान लेमडा दूसरा दिया गया है पाई बी लेमडा और तीसरा दिया गया है लेमडा अपान पाई बी और चौथा दिया गया है टू पाई बी लेमडा टू पाई बी लेमडा तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पाई बी लेमडा हो जाएगा इसका चलिए यहाँ पर हम बावन क्वेश्चन पढ़ते हैं बावन क्वेश्चन पर दिया गया है ए शिफ्ट ऑफ सो सर्कुलर प्रिंजेस इज आपटे ऑब्जर्वड वेन द मूवेबल मीटर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर देन द दे वेबलेंथ लाइट इज यूज की जाती है देन तब हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर पहला दिया गया है कि यहाँ पर डेढ़ सौ नैनोमीटर तीन सौ नाइनोमीटर और तीसरा दिया गया छः सौ और चौथा दिया गया है आठ सौ नाइनोमीटर तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इस पर एक फार्मूला हम बता देते हैं उसी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर इसका फार्मूला होता है टू डी इजक्वल टू यन लेमडा एक फार्मूला होता है जहाँ से हम लेमडा इजक्ल टू क्या हो जाएगा टू डी अपॉन यन हो जाएगा हम इसे इस साल करेंगे तो हमें यहाँ से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा तो हम इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बावन का आंसर नंबर सी आर था सिक्स यहाँ पर छः सौ नाइनो मीटर इसका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर आप तिरपन पढ़ते हैं द प्रिजनल हार पीरियड जून डिफरेंस इज द फेस डिफरेंस ऑफ पहला गया है पाई बाई फोर दूसरा गया है पाई बाई टू तीसरा दिया गया है पाई और चौथा गया है यहाँ पर टू पाई तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पाई एक सौ अस्सी आंसर होगा यहाँ पर यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी यहाँ पर पाई एक सौ अस्सी द कंडीशन ऑफ ऑब्जर्व फ्राउन हेपर डिफ्रेक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट इज दैट द लाइट वेब फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट मस्ट बी पहला स्पेरिपल दूसरा दिया गया है प्लेन तीसरा दिया गया है सिलेंड्रिकल और चौथा दिया गया है यहाँ पर इलिप्टिकल तो देन तब इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेन अर्थात समतल में होगा यहाँ पर इसका प्लेन प्लेन में आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा समतल अर्थात इसका आंसर नंबर यहाँ पर बी होगा चलिए पचपन क्वेश्चन पढ़ते हैं द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैग्जिमा इन द स्पेक्ट्रम ऑफ केटिंग हैविंग है एन साइस्लिट्स इज प्रपोशनल टू पहला दिया गया है वन अपान एन दूसरा दिया गया है एन तीसरा दिया गया है वन अपान एन स्क्वायर और चौथा दिया गया है एन स्क्वायर तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा पचपन का डी एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा एन स्क्वायर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम छप्पनवा क्वेश्चन पढ़ते हैं द फार्मूला ऑफ रिजॉल्विंग ग्रेडिंग तो यहाँ पर लेमडा पान डी लेमडा इसको टू यन एन लेमडा यहाँ डी लेमडा पान लेमडा यन एन और डी लेमडा प्क्वल टू डी लेमडा अपान लेमडा इज टू टी डी यू अपान ले, डी लेमडा ऑफ दिस तो यहाँ पर अभी हम इसके फार्मूले का यूज भी किया था तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा छप्पन का ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर लेमडा पान डी लेमडा एन एन यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही हो सिक्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सत्तावन अधिस सत्तावन क्वेश्चन गया ए निकोल फ्रिज मेड बाय यहाँ सभी जानते हैं कि निकोल फ्रिज किससे बना होता है क्वार्टर से कैलेसाइट साइड से प्लास्टिक से या ग्लास से तो यहाँ से इसका सत्तावन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या पहले साइड से बना होता है यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अट्ठावन क्वेश्चन दिए गए द पेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी डे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डे ई रे दिए गए ड्यू टू हाल लेट इज क्या होगा पहला पाई बाई टू दूसरा थ्री पाई बाई टू और सी दिए गए पाई और डी दिए गए पाई बाई फोर तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसका अट्ठावन अट्ठावन का ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात पाई ये बीमा सर्कुलर पोलराइज सर्कुलरली प्लोलाइज्ड लाइट पासिस थ्रू द क्वार्टर हा वे प्लेट द इमरजेंट ऑफ लाइट पहला प्लेन प्लोराइज होगा यहाँ पर सर्कुलरली प्लोराइज होगा या इलिप्टिकली प्लोराइज होगा या प्रैक्टिकली प्लोलाइज होगा तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर प्लेन प्लोराइज होगा साठवां क्वेश्चन दिए गए इलेप्टिकली प्लोराइज लाइट कैन बी ऑफ टेंड वेस डिफरेंस बिटवीन आर्डनरी एंड एक्स्ट्रा आर्डनरी रे हो जाए तो पहला एक सौ अस्सी एंस दूसरा दिए गए नब्बे डिग्री और तीसरा दिए गए पैंतालीस और चौथा दिया गया है यहाँ पर जीरो डिग्री अर्थात साठ साठ का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर नाइन्टी डिग्री हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इकसठ क्वेश्चन है यहाँ पर बाई द बाइक द बाइक क्वार्टस पोलैरोटर विच लाइट इज़ यूज की जाती है कौन सी लाइट इसमें से यूज की जाती है पहला दिया गया है रेड दूसरा ब्लू तीसरा येलो फ्राम सोडियर लैम्प चौथा दिया गया है वाइट तो यहाँ पर इकसठ का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी अर्थात यहाँ पर वाइट लाइट यूज की जाती है यहाँ पर यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाइट रेशियो ऑफ आप्रोबाबलिटी स्पोटियस इमसन या एस इमसन इंडिपेंडेंट आप फ्रिकुनसी यहाँ पर दिया गया है ए प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी यहाँ पर गामा और प्रोपोर्शनल टू गामा यहाँ पर स्क्वायर और डी दिया गया है प्रोपोर्शनल टू गामा क्यूब दिया गया है यहाँ पर तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा या प्रोपोर्शनल टू गामा क्यूब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर तिरसठ क्वेश्चन देते हैं तिरसठ का क्वेश्चन दिएगा एक प्लेन ट्रांसमिशन क्रिएटिंग हैविंग द यहाँ पर पे पाँच हज़ार लाइन्स सेंटीमीट से लाइन्स पर सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड अंडर द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट द आर डा स्पेक्ट्रम सीन फॉर लाइट ऑफ ए प्लेन लेमडा स्क्टर टू यहाँ पर अड़तालीस तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तिरसठ का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर थ्री हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा इसका चलिए यहाँ पर हम चौसठवा क्वेश्चन दिए गए व्हाट इज द रेडियस ऑफ टेंथ जोन इन ए जोन प्लेट ऑफ फोकल एंड बीस सेंटीमीटर तो लेमडा स्कोट तो यहाँ पाँच जा रहेगा स्टार्ट दिया गया है तो इसका क्या होगा रेडियस वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर या वन मिलीमीटर या डी दिया गया है टू मिलीमीटर तो यहाँ पर इसका चौंसठ का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा वन सेंटीमीटर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर वन सेंटीमीटर होगा चलिए यहाँ पर हम पैंसठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं टू पोलराइजिंग सीट द पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरलर टू द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसलेट लाइट इज मैक्सिमम थ्रू व्हाट एंगल मस्ट अदर सीट टर्न सो इंटेंसिटी बिकम्स वन पाल ऑफ इनिशियल वैल्यू यहाँ पर पंद्रह डिग्री दिया गया है पंद्रह डिग्री दूसरा दिया गया है तीस डिग्री और तीसरा दिया गया है पैंतालीस और चौथा दिया गया है साठ डिग्री इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पैंतालीस डिग्री यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पैंतालीस डिग्री छठवाँ क्वेश्चन दिए गए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्लोराइज इनमें से कौन प्लोराइज नहीं होगा यहाँ पर पहला दिए गए साउंड वेव इन एयर रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रा रेड वेव तो यहाँ पर छाछठ का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही ई ऑप्शन नंबर ए साउंड वेव साउंड वेव इन एयर तो यहाँ पर छाछठ का ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चलिए सरसठवा पढ़ते हैं निकोल प्रिस्ड प्रिज्म प्रोड्यूस्ड प्लेन प्रोराइज लाइट ड्यू टू पहला डिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन स्कैटरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका पूर्ण आंतरिक यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर अब अड़सठवा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली यूज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन तो पहला दिया गया है डिग्री डेसी डेसीमीटर इनवर्स तो यहाँ पर जो है अड़सठ का फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन का जो है यहाँ पर जो है यूनिट होगा यहाँ पर अड़सठ का ए सी यहाँ पर डिग्री ऑफ यहाँ पर डिग्री सेंटीमीटर इनवर्स सी एम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर रूबी लेजर इजे क्या होगा टू लेजर टू लेबल लेजर थ्री लेबल लेजर, लेजर या फोर लेबल लेजर या फाइव लेबल लेजर यहाँ पर उनहत्तर का भी थ्री लेबल लेजर होता है चलिए यहाँ पर हम सत्तरवा क्वेश्चन इफ द नंबर ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट से मीन बाय पॉपुलेशन इनवर्जन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो जाएगा N1 N2, या एन वन इसवल टू एन टू या एन वन कमान से बड़ा होगा या एन वन का मान एन टू से छोटा होगा या डी होगा नन ऑफ दिस तो यहाँ पर ही जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर अब एक तरवा क्वेश्चन करते हैं इन हीलियम नियॉन लेजर द रेशियो ऑफ हीलियम टू नियॉन द रेशियो ऑफ हीलियम टू नियॉन क्या होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन एक अनुपात एक दो अनुपात एक सेवन सात अनुपाते एक और तीन अनुपाते एक दिया गया तो इसका अनुपात में हो जाएगा इसका सेवन अनुपात एक होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका यहाँ पर बहत्तरवा क्वेश्चन दिया गया लेजर लाइट इज़ ए परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक इट्स एम्पलाइड्स इट हैज पहला दिया गया नैरो विथ वाइड विथ डिफरेंट कलर या सिंगल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बहत्तर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सिंगल फ्रिकुनसी होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सिंगल फ्रिक्वेंसी होगा तीसरे यहाँ पर तेतरा क्वेश्चन द इनवर्ज इन ही लेजर इज प्रोड्यूस करता है क्या फोटो एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन या इन इलास्टिक एटामिक या केमिकल रिएक्शन तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर इन इलास्टिक एटामिक तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर चौहत्तर क्वेश्चन था रूबी लेजर सॉवालिड स्टेट लेजर या गैस लेजर लिक्विड लेजर या सेमी कंडक्टर लेजर होगा तो यहाँ पर चौहत्तर का ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट लेजर होगा यहाँ पर सॉलिड स्टेट लेज़र होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है तो यहाँ पर पचहत्तर का क्वेश्चन सेमी कंडक्टर लेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड क्या होगा लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी तो देन तब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइट एनर्जी चलिए यहाँ पर पेपर समाप्त हुआ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है वहां जाएंगे तो आपको इस पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग